हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगी दोस्तों, फेसबुक में जो क्रिएट रूम है इसे डिलीट कैसे करें। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सिंपल तरीके से कि इसे कैसे हटाएं, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके में बता दूंगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो ऐसे ही नॉलेजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बिना टाइम को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए क्या करना, आपके लिए ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे ज्वाइन वाले इस बटन पे क्लिक नहीं करना है, ज्वाइन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, आपके लिए ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है कहीं पे भी, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे सिंपल तरीके से आप ऊपर क्लिक कर दोगे। ऊपर क्लिक करने के बाद आपके लिए कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आपके लिए यहाँ पे एडिट वाले इस ऑप्शन पे आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर ऊपर आपके लिए सेटिंग वाला ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे सेटिंग वाले इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा तो आपके लिए यहाँ पे नीचे ये ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे बहुत सारे। तो आपके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा एंड रूम, ठीक है। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नीचे एंड रूम वाला ये ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो आपके लिए सिंपल तरीके से इस पर क्लिक करना है, एक तो हट गया, ठीक है। तो अब एक ही बचा, फिर इस पर मैं क्लिक करूँगा ऊपर। इस पर क्लिक करने के बाद मैं फिर सेटिंग वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, फिर एंड रूम वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हट गया है, ठीक है दोस्तों। आप ऐसे ही क्रिएट रूम के लिए डिलीट कर सकते हैं और ऐसे ही इसे हटा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।